दिनांक 2 जनवरी को विदर्भ न्यूज ने रेडियो सिलोन पर एक लघु जानकारी देता कार्यक्रम बताया था। इस संदर्भ में अमरावती के संगीत रसिक और इतिहास की तारीखों के जानकार श्री दयाराम अमलानी ने हमें फ़ोन कर कुछ और माहिती भेजी जो हमारे दर्शकों के ज्ञान में वृद्धि करेंगी। साथ ही दो फोटोग्राफ भी भेजे हैं। सन 1974-75 में श्री गोपाल शर्मा ये अमरावती आए थे और राजकमल चौक के विजय फोटो स्टूडियो में उनका और अमलानी जी का संयुक्त फोटो प्रस्तुत है। एक बात आपको बता दें, रेडियो सिलोन से संबंधित अमीन सायानी, मनोहर महाजन, गोपाल शर्मा व पद्मिनी परेरा ये भी अमरावती के श्रोताओं से मिलने आ चुके हैं। सदाबहार रेडियो सिलोन स्टेशन। रेडियो सिलोन एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक लोकप्रिय स्टेशन रहा है। भारत में उसे सुनने वाले लाखों करोड़ों दीवाने थे। उद्घोषकों की मीठी आवाज़ और आकर्षक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में चार चांद लगा देती थी। रेडियो सिलोन 30 मार्च सन 1951 को शाम 5:30 बजे हिंदी सेवा का प्रारंभ हुआ। उद्घोषक थे शुभेंदु राय। पहली बार हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सन 1944 की प्रसिद्ध फिल्म रतन का जोहरा भाई अंबाले वाली इनका गाया हुआ गीत घटा घनघोर मचावे शोर ये गीत बजाया गया। कार्यक्रमों की बढ़ती संख्या और सुंदर प्रस्तुति से रेडियो सिलोन लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंच गया। भारत में रेडियो सिलोन अनगिनत दीवानों में कुछ नाम थे, कानपुर के हरमिंदर सिंह हमराज, हरीश निगम, अलीगढ़ के गिरीश चंद्र सुमन, आगरा के विजय सिंह चंदेल, जमशेदपुर के भारत भूषण, हैदराबाद के अतिक अहमद सिद्दीकी, भिलाई के राकेश मनमोहन बिरमानी, इंदौर के अनिल वामन भंडारे, कैलाश शुक्ला, बुरहानपुर के अब्दुल मजीद खां गफ्फार अंसारी, बीड के प्रकाश पगारिया, झुमरी तलैया के रामेश्वर बर्नवाल, तीन पहाड़ के निपिया सिपियन और राजकुमारी भाटापारा की कुमारी नीला मेघानी और बचकामल, नागपुर की कुमारी शबनम, उड़ीसा के गोपाल चंद गुप्ता, रक्सोल के जेड आर लिंको, नई दिल्ली के नरेंद्र जैन, कुरावर मंडी के लक्ष्मी नारायण सोमानी, धनबाद के प्रीतम प्यासा, इसके अलावा वीरगंज नेपाल, यवतमाल, अकोला, रायपुर, जबलपुर, जलगांव, बम्बई, कल्याण, कोल्हापुर, कटिहार, खड़गिया सहित अमरावती जैसे भी नाम इसके अंदर आते हैं। और अमरावती के ही थे बालकिशन पांडे, राजा ठाकुर, अशोक जोशी, कमरुल्ला ठेकेदार, अरविंद हम्बर्डे, रवि चौधरी, ऐसे सैकड़ों शहरों के हजारों नाम थे जो अब कुछ सही तरीके से याद भी नहीं आ रहे। रेडियो सिलोन के हजारों श्रोताओं के आपसी पत्र व्यवहार और एक दूसरे के शहर में जाकर मुलाकातें करना यह प्रेम संबंध भी थे, जिसे कई श्रोताओं ने आपसी संबंध बनाया और ये संबंध आज भी कायम है। ये सभी रेडियो सिलोन की उपलब्धि है।